अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नाम मेरा नंगर। नंगर नाम है? नंगर पार्कर या नंगर खाली नाम है? पार्कर जाए नंगर। अच्छा, ये आपका खेत है? मेरा। बाजरा ग्वार? अच्छा, बाजरा है, ग्वार है ने? अच्छा, ये क्या है ये? ए जी एटपरी MP3 है। हाँ। अच्छा, ये रेडियो वगैरह सुनते हो आप इसको? बहुत खूबसूरत। आप किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं? ये चलें आपके झोंपड़ी पे, हम देखें बैठे। चलें चलें चलें। सो गाइस, अभी चलते हैं अंकल की झोंपड़ी पे बैठ के, देखते हैं कि ये किस तरह से। ये अभी लाइट भी स्टार्ट हो गई है, ये देखें, और शाम का टाइम है। सो गाइज, ये अंकल की झोंपड़ी है। इस तरह से ना यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, और ये चारपाई भी रखी हुई है, और ये झोंपड़ी बनाई हुई है इन लोगों ने, और दिन के टाइम बैठते हैं। चाचा आते वही सगुन दासा। चाचा तमा ये की था रहो ते ये प्रोग्राम, ये सजो सेटअप दाडी मेहनत कयो था? तमाम जबरदस्त। माने इते माने ये झोंपड़ी वगैरह ठाई ये बरसात जे करे ठाई है या डी जो रहो था? बरसात जे करे। सो गाइस, ये बता रहे हैं अंकल, तो ये जो झोंपड़ी बनाई है तो ये बारिश की वगैरह जो इनसे बचने के लिए, महफूज रहने के लिए ये बनाई है। और यहाँ का भी व्यू दिखाती हैं आपको, अंदर का व्यू दिखाएं। सो गाइस, इस तरह से ये झोंपड़ी हैं, ये देखें, पानी के बोतल वगैरह रखी हुई हैं, ये चाय चाय बनाने के लिए हैं, और ये झोंपड़ी का अंदर का व्यू है। इस तरह से यहाँ के लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। ये देखें, बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं, और ये शाम का टाइम है, बहुत ही अच्छा व्यू है, इंटरेस्टिंग व्यू है। और ये बाजरा जो है इनको काट दिया इन लोगों ने। सो गाइज, ये अंकल है, यहाँ खेती बाड़ी करता है, और यहाँ देखें ये बाजरा या ग्वार, ग्वार बाजरा ये ज़्यादातर यहाँ सेरा थर में पाया जाता है। और ये बाजरा को काट के इन लोगों ने ये गठर बना दिया है, ये देखें। चाचा अनके छा कंदा आयो माल के चारी लाई माल के। सो गाइज, ये बता रहे हैं कि हम माल के लिए रखते हैं, और ये किस तरह से बना के रखते हैं, बड़े बड़े गठर भी बनाते हैं क्या? तो गाइज, ये है अंकल का खेत, और ये खेत का व्यू है इस तरह से, और यहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं। इस तरह से ये झोंपड़ी वगैरह बनाते हैं, क्योंकि ये बारिश वगैरह यहाँ ज़्यादा होती है, तो उसके लिए, तो उनसे बचने के लिए ये काफ़ी सारी मुश्किलों को सामना करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू है, यहाँ की मौत भी बहुत दिलचस्प है, देखें। चाचा तुम पढ़े लिखे आयो? अनपढ़े आयो? अच्छा, नालो कौन दा लिखी सको? सो गाइस, ये अंकल बता रहे कि हम अनपढ़ हैं, लिखे पढ़े नहीं हैं। ये बनी केतरी या तुम जी अंदाजो केतरा एकड़ थी सकंदा? दह एकड़ आए। केतरा कलाक ट्रैक्टर का खेड़ा आया? सो गाइस, ये अंकल बता रहे हैं कि हम अनपढ़ हैं, और 7 घंटे इस खेत में जो ट्रैक्टर ने ये खेती बाड़ी की है, और यहाँ के जो है ना तकरीबन 10 एकड़ के बराबर है इसकी ज़मीन, और ये अंकल यहाँ खेती बाड़ी करता है, और नगर नाम है इसका। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू।